काफी सह है, चार स भी बोल सकते हैं। कौन कौन सी चीज हो सकती है? सेहत कहते हैं ना, स्वास्थ्य, और स सेटिस्फेक्शन, हाँ वही, संतुष्टता के लिए, अगर सुखी जीवन, संतुष्ट जीवन के लिए चाहिए, सेहत, संबंध, संपत्ति, और अगर उसको अगर स्पिरिचुअल लाइफ कहे तो सेवा। अगर ये सब श्रेष्ठ है तो जीवन संतुष्ट है। तो आज बाबा इसी पर पूरा फोकस कर रहे हैं कि संबंध किस तरह संतुष्टि का आधार है, संपत्ति और सेहत क्या करना है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 3, 4, 94, हम थोड़ा एट पार चल रहे हैं। 16, 4 और 3, 4, 94 की मुरली। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं, बस संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियां, मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। ये रूहानी मणियों की संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय, और बाप को तो प्रिय है ही है। तो ऐसे होना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं वो, तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां, जहां सर्व प्राप्ति है वहां वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है, और सर्व प्राप्तियों का आधार है। जहां सब कुछ है तो संतुष्ट है, लेकिन सब कुछ का आधार है, सब कुछ फिजिकली होना या सब कुछ मेंटली फील करना। सब कुछ का आधार है, सब कुछ है ये फील करना है। अर्थात जो है वो बेस्ट है, ये फील करना। जब ये है तो संतुष्टता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है, और संतुष्टता का स्वभाव व स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। असंतुष्ट आत्माएं आती है ना बाबा के घर, सेटिस्फाइड फील करती है, तो संतुष्टता का वायुमंडल असंतुष्ट को भी संतुष्टता की फीलिंग देता है। तो इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती। एक संतुष्टता की विशेषता अगर है तो बाकी स्पेशलिटीज भी सोल में आ जाएगी, लेकिन सदा संतुष्ट हो। एक संतुष्टता की विशेषता क्या है? सिर्फ अगर वो एक संतुष्टता है, अभी ठीक नहीं हुआ, बहुत रॉन्ग हुआ, मेरे गाइड करते करते रॉन्ग हो गया, संतुष्टता। नहीं, अभी उसको संतुष्ट कैसे फील करो? मैं कह रही हूं वहां मत जाओ, गड्ढा है, गिरोगे, लेकिन फिर भी गए, फिर भी गिरे, सामने सामने हो रहा है संतुष्टता, इमीजिएटली संतुष्ट।
गिर गया कोई, कल्याण हुआ। बहुत यही फर्क है कि ठीक है हुआ होना ही था, या कोई बड़ा होने से बच गया, शायद बड़ा होता इसी छोटे में हो गया। और चलो अब मलम पट्टी जो भी करना है, नहीं तो अब उसमें क्या होता है, अब ऐसी सिचुएशन में ब्लेम गेम, एक पूरा वो स्पाइरल चलता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे संतुष्टता, एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली। एक्चुअली संतोष हमारा संकल्प परिस्थिति के आधार पर है ना। हमने सोचा कि ऐसे गाइड करेंगे तो वो वैसे ही फॉलो होता हो जाएगा, नहीं हो रहा है। तो वो हमारा वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परिस्थिति नहीं है। तो जितना वही नष्ट मुआ स्टेज होगी ना, तो संतुष्टता, तो लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसी अनुभव होती है जैसे पपेट कठपुतली शो देखते हो ना, होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है, पपेट शो। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है, वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है, परिस्थिति कार्टून शो लगता है। हाँ, एंजॉयमेंट। तो ये है डिटैचमेंट की स्टेज। इतना ड्रामा की पटरी पर चलता रहे, हम थोड़ा आगे चलते हैं ना। हाँ, वो हिलता जा रहा, ड्रामा का धागा है। उसको ना सोल्यूशन दो, वो जो बार बार आता है याद, कुछ उसको जो भी सोल्यूशन देना है उसको दो। जब तक उसको वो सोल्यूशन मतलब रिजोल्व नहीं करेंगे मेंटली कोई ज्ञान के पॉइंट से, तब तक वो अनरिजोल्व है, तो बार बार आएगा। वो होता है ना, जब तक वो क्वेरी नहीं सॉल्व करती हमारे, वो जैसे हमारे अकाउंट्स का पैकेज है, अगर हम नहीं सॉल्व करते तो हर बार जब भी आप खोलोगे तो पहले वो डिस्प्ले में आएगा, क्योंकि उसको रिजोल्व नहीं किया। तो जैसे ही वो बात सामने याद आती, वो व्यक्ति आता है, या उस अकॉर्डिंग कोई सिमिलर परिस्थिति आती है, तो तुरंत वो फ्लैशबैक हो जाती है, क्योंकि उसको रिजोल्व नहीं किया। जो हम कन्विंस हो जाए वैसे रिजोल्यूशन, मतलब पॉइंट्स बहुत सारी है, हमको कौन सी उस समय अप्लाई करना है। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है, आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना, होता तो शेर भी है बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है, कार्टून कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, देखो बाबा उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना कानपुर वाले मकान का जल गया, तो ऐसी परिस्थिति को भी बाबा ने क्या कहा, तो कितना फीलिंग करके दादी आई थी बाबा के पास, फीलिंग तो हो गई। हम जैसे अभी कहेंगे ना, नेचुरल है, इतना बड़ा मकान जल जाए, बाबा ने एक सॉल्यूशन किया इस तरह से। तो बाबा इसलिए कह रहे, कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो ये देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे, शो देखना तो अच्छा ही है ना,
तो ये कैसे कब हो सकता है? नहीं, डिटैच हुए बिगर शो देख नहीं सके, साक्षी अवस्था। तो ये माया का व प्रकृति का यह भी एक शो, यही आज दीदी का क्लास था, मोहिनी दीदी का, कि डिटैचमेंट ही परफेक्शन। आज का व्यक्ति इशारा भी वही है, डिटैचमेंट ही परफेक्शन। मतलब अगर हम संपन्नता परफेक्ट हो रहे हैं तो डिटैच होंगे ही, अर्थात इंपैक्ट नहीं हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा है, केयरलेस नहीं हो रहा है, इग्नोर नहीं हो रहा है। तो ये माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, अपनी शान में रहते हुए देखो। संतुष्ट मणि है, संतोषी आत्मा हूं, यह है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है? शान में स्थित होना आता है या परेशान होना अच्छा लगता है? शान से परे सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए, और संबंध में और क्या डिमांड होती है हमारी? एक तो सारा हो, बच्चा भी हो, बेटा भी हो, बेटी भी हो, ये भी हो, वो भी हो, जो भी है, सुख देने वाला। और एक और चाहिए, सुख देने वाला, बहुत अच्छा है। दो चीज चाहिए, अगर अगर कमाऊ करने वाला, कमाई करने वाला, मतलब इन अ वे सुख देने वाला, अगर खुद को भी और उसको भी सुखी, तो हमको सुख तभी होगा ना जब उसकी भी सुखी लाइफ। कमाई करने वाला दूसरा संबंध के लिए सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन हमारा चाहिए, सत्युग का एक्सपेक्टेशन। अब बताओ, अविनाशी चाहिए। हम चाहते हैं ना कि भाई बस सदा रहे, कोई नहीं चाहता है कि संबंधों में। तो बाबा कहते दो चाहिए, सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है, जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सत्युग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। मामा का भी संबंध हो सकता है, चाचा का भी संबंध हो सकता है। भक्ति मार्ग में देखो ना, मामा का संबंध किया, मामा का भी तो जरूरी होता है, जहां जगह की जगह। तो माहेरा नहीं हुआ, फेमस है नरसी जी का माहेरा, नानी बाई। तो सर्व संबंध, भाई का संबंध था, भाई का संबंध था, तो मतलब मामा हो गया जो भी। तो बाबा के कि संबंध सत्युग में तो फिर भी इतना नहीं होगा, हाँ दो ही तो संबंध होंगे, लेकिन संगम युग में सर्व संबंध का अनुभव होगा। तो हरेक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है, कि इसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है, सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है, पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं? आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। सब पुराने, मेरी एक बहन पहली आज पहली बार इस सेंटर पे आई, तो भले पधारे। बाप दादा भी पदम इस कल्प में पहली बार आए हैं, वो समझ में आया सबको?
राजेंद्र भाई क्या? हाँ, तो बाबा ने जो ये कहा कि इस कल्प में जो पहली बार आप जब मधुबन जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आएगा आपके, आपको दादी पूछेगी कौन सा, इस कल्प में जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठा, मतलब इस कल्प में मधुबन जब आप जाओगे फर्स्ट टाइम होगा ना इस कल्प, हर कल्प में ऐसे नहीं पहली बार आए हैं, पहली बार जो आए हैं वो हाथ उठाओ, कोई भी नहीं। हाँ राइट, ये देखो मन्नू बहन ने हाथ उठाया, पहली बार जो आए हाथ उठाओ, होशियार बच्चे। इस कल्प में पहली बार जो आए हैं, इसमें पहली बार में कभी नहीं हाथ उठाना, इस कल्प में बोला जाए तब। अच्छा जो इस, तो भले पधारे बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं, नए होती भी कल्प कल्प के अधिकारी है, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप है, इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया है, परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही ना। बाबा को जो भी, चाहे संबंध के रूप में, चाहे बाबा को कुछ दे रहे हैं, खिला रहे हैं, बाप को खिला दिया, बीज को खिला दिया, मतलब वृक्ष, मतलब पूरे सृष्टि को कर दिया, ये है वृक्ष को कर दिया। तो अगर हमने बाबा को भोग लगा दिया फिर और किसी को भोग लगाने की जरूरत है? कुछ भी हुआ, पितर हुआ, उसको अलग अलग देने की, करने की, बीज को खिला दिया, बीज को पकड़ लिया, पूरे वृक्ष को पकड़ लिया। हाँ हाँ वो कितना फेमस स्टोरी है दुर्वासा ऋषि की। हाँ तो फिर, हाँ वो तो है ही, वो तो बच्चे है, लेकिन ये जो बिलीफ है ना कि ये इसको कर दे, इसको कर दे तो इससे ये प्राप्ति हो जाए, ये संतुष्ट हो जाए, वो कितने सारे ग्रह है, कितने सारे पितर है, कितने सारे सब कुछ है। तो बाबा कहते सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और तो परमात्मा अधिकारी से बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को बना अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही, सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। इसलिए बाबा हमेशा कहते बीज को पकड़ो, बीज को पानी डालो, टालटालियों को मत पकड़वाओ, वृक्ष को पूरा हरा भरा रखना है। क्या करते हैं, हरा भरा ऊपर है लेकिन पानी इधर नीचे दिया जाता है। तो सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते, स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। गुण फिजिकल ठीक है, उसके साथ गुण शक्तियां और ज्ञान, ये तीन संपत्ति, तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। तो संतुष्टता के संबंध में संतुष्टता के लिए चाहिए अविनाशी और सर्व संबंध। हाँ सर्व संबंध सदा, और तीसरा था अधिकारी, तो बीज को पकड़ना उसमें बाबा ने कहा, ये तीन है तो मतलब संतुष्टता है संबंध में। अब ये देखो ये कोई भी मनुष्य आत्मा से सेटिस्फाई हो सकता है, कितना भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो, वो एट अ टाइम अगर वो फादर है तो फादर का ही रोल प्ले कर सकता है, एट द मोस्ट चलो फ्रेंड का रोल प्ले करे,
लेकिन दो चार संबंध तो नहीं कर सकते ना सेटिस्फाई, और दूसरा संपत्ति में चार, तब संतुष्टता है। तो स्थूल, फिर गुण, शक्ति और ज्ञान। लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां है, संपत्तिवान होना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई कम है? फुल है, ज्ञान फुल है, गुण फुल है और शक्तियां फुल है। और अगर ये तीनों नहीं है ना, तो वो स्थूल संपत्ति है तो भी उसको एंजॉय नहीं कर सकते, और दूसरा अगर है तो भी चली जाती है। गुण नहीं है, पेशेंस नहीं है, आपने इन्वेस्ट कर लिया शेयर बाजार में, बहुत अच्छा, अब लेकिन पेशेंस ही नहीं है, तो जो प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब गुणों, इंट्यूटिव पावर नहीं है, शक्तियां नहीं है, तो संपत्ति है लेकिन वो नहीं है, तो आप एंटिसिपेट नहीं कर पाते और लॉस हो गया। संपत्तिवान होना, दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई कम है? फुल है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है आज बाबा का, ठीक है? हाँ, इसीलिए फुल है पीछे वो, मतलब ये मुरली चली तो ऐसा किया होगा उस समय। ये तो मतलब ये तो फाउंडेशन है। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई कम है? फुल है। आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज्यादा है, और बाप का ध्यान पीछे वाले, ठीक है? बाबा सबको खुश करते हैं, पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। शांतिवन में भी जो पीछे बैठते थे ना, बाबा का बहुत कितने बार दृष्टि जाती थी पीछे, जितना ही दूर है उतना ही नयनों में समायो। खुश कर दिया, उन्होंने त्याग किया। साकार वतन में तो साकार की बातें होती है। अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होगी, चलो अभी तो फिजिकल है ना, तो जगह चाहिए, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी कल था ना, सारा समय साथ ही थे। कितना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते सूक्ष्म वतन। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते, निराकार और आकार को भी बाबा फिजिकल देखना चाहते हैं ना हम, तो बाप क्या कहते? हाँ बच्चे चाहते, तो बाप क्या कहते? जी हजूर, खुश कर रहे, जी हाजिर, आप चाहते आओ आ जाएंगे। बच्चे तो बाप के भी हजूर है, मालिक है ना, मालिक को हजूर कहा जाता है, और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणिया, संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। वो संपत्ति है और ये संपत्ति है, तो वो संपत्ति जितनी भी है और ये सब संपत्ति फुल है, तो क्या होगा? तीन, गुण, शक्ति, ज्ञान। तो बाबा कहते तो संतुष्ट मणि। और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? अब ये क्वेश्चन जरूरी है, कौन बीमार है? जो भी राइट आंसर देना, कोई नहीं, वंडरफुल। कौन बीमार है? हाथ उठाओ जो बीमार है। सभी होशियार बच्चे हैं,
अच्छा एक जन ने हाथ उठाया, किसी ने हाथ उठाया नहीं? अच्छा क्यों? आत्मा, बाबा क्या कह रहे हैं देखो सुनो, आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं है, आत्मा सदा शक्तिशाली है, संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती, ये इक्वेशन है। इस समय की आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म शरीर की, आत्मा तंदुरुस्त कब हो सकती है? तंदुरुस्ती के लिए जो जो चाहिए, शरीर में जितना केमिकल्स चाहिए, जितनी किडनी जैसे जो जितना जूस चाहिए, केमिकल्स है वो सब है तो शरीर तंदुरुस्त। आत्मा में जितनी शक्तियां होनी चाहिए, जितना कंट्रोल होना चाहिए, जितना रूलिंग पावर होना चाहिए, अगर वो है तो आत्मा तंदुरुस्त। तो लेकिन इस समय थोड़ा थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, यह भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। संबंध भी है, संपत्ति भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है, तीनों ही वरदान वरदाता बाप से मिले। इसलिए कुछ भी हो जाए, शरीर कितना भी बीमार हो, आत्मा की तंदुरुस्ती को कम नहीं करे, इन द सेंस वो मिस नहीं करे। कभी कभी हम होता है ना कि भाई बुखार है, चलो फिजिकली नहीं आ सकते, अब तो अभी ये जब तक ये फैसिलिटी है, मुरली तो सुनो। तो तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अच्छा, अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता है। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उसमें बीज है, आपके पास भिंडी का बीज है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वो आपके हाथ में, उसके लिए क्या करना हो, थोड़ा तो ध्यान रखना। तो वरदान बीज है, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करेंगे, रिविजन वाला पानी नहीं देंगे, संकल्पों का पानी नहीं देंगे, बुद्धि का कन्विक्शन नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। हाँ, अब जैसे हमें कार्ड में भी मिलता है वरदान, रोज बाबा का वरदान, नाम ही है वरदान, लेकिन उसको स्मृति में जितना लगाए, बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा। और वरदानों को भी साथ में लाएगा, और वरदान भी आएंगे। एक वरदान से बीज है ना, वरदानों का बीज ही है, वृक्ष कौन सा होगा, मतलब वृक्ष भी क्या होगा, फल भी क्या होगा, वरदान ही तो। एप्पल का बीज है, फल क्या निकलेगा, और वरदानों को लेकर आए, और एप्पल को लेकर आए, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना, कौन सा, संपत्ति, वो अभी जो बोला सर्व संबंध भव, तंदुरुस्ती भव और सर्व संपत्ति भव, संपत्ति भव। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिलाना अच्छा,
दादियों से मुलाकात, सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना। अच्छा, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। एक बाबा की मुरली चली थी शायद 91 में। संकल्प की भाषा, तीन तरह की भाषा है, याद है किसी को? नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा। मतलब ब्राह्मण जीवन की जो भाषा है ये तीन भाषा है, वर्ड्स की भाषा नहीं। बहुत अच्छी पावरफुल मुरली है ये 91 की। तीसरा संकल्प की भाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा, ये भावना। नयन मतलब इशारों की भाषा, इशारों की भाषा, भावना की भाषा। भावना का मतलब क्या है? इधर इशारे के लिए सामने चाहिए, भावना के लिए सामने नहीं चाहिए, भावना है। और संकल्प, एक संकल्प किया और वो संकल्प पहुंचा, ये बाबा, इतना वो पावर है, वो एक संकल्प। तो आवाज से परे तो जाना ही है ना, तो मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही है। अच्छा, पर्सनल मुलाकात, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकालो। अभी अपने को विश्व सेवादारी अनुभव करते हो, सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियां है, व कोई शक्ति है कोई नहीं है, कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां है व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको मायाजित बनने नहीं देगी। कोई होता है ना, कोई बहुत सोचता ही रहता है, कोई बात हो जाती बोलता नहीं है लेकिन सोचता बहुत है, तो उसी कमी से माया यूज करेगी उस कमी को। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी, और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगा, वही वाला कमजोरी। तो मतलब अगर हम हमेशा कहते ना ये मेरा संस्कार है, प्लीज आपको तो पता ही है ना ये मेरा संस्कार है, तो मतलब क्या है? हम कंफर्टेबल है, आप बैर करो मेरे साथ, कई कहते हैं। तो बाबा कहते फिर उसी कमजोरी से माया धोखा देगी। तो वर्तमान समय, तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही तो कमजोरी है, बाकी तो मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छी हूं। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो, विशेष योग का प्रयोग करो। कभी भी कोई बात डिस्टर्ब होती है तो आपस वालों को कभी नहीं बताओ। हमको सोचते ना शेयर करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण से शेयर करेगा, तो क्या कर रहे हैं हम? वो भी क्या सजेशन देगा? नेचुरल है ना, इतना थोड़ी कोई संपन्न बना है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि उसका भी वही लेवल है। तो इसलिए बाबा कहते शक्तिशाली का सहयोग, ऐसे वालों का सहयोग नहीं लो। तो
अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, ये बहुत डीप पॉइंट है। जैसे पहले होते थे ना, जब छोटे होते हैं या नए नए ब्राह्मण होते हैं, तो हम लोग भी सोचते थे कि बड़ों को क्यों बताएं, मतलब जो भी है बात रिजॉल्व करो, यहाँ बता दो, शेयर करो। लेकिन अभी हमने देखा कि कुछ भी बात होती है ना, अगर बड़ों से शेयर, उससे हमारा कमी वहां तो रहती ही थी, लेकिन और ही सपोर्ट मतलब स्ट्रांग हो जाती थी वो कमी, क्योंकि वो क्या बोलेगा, वो तो नेचुरल है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, बस वही चाहिए मुझे सब। तो बाबा इसलिए कहते हैं शक्तिशाली का सहयोग, सेम वालों का कभी सहयोग नहीं। विशेष योग का प्रयोग करो, किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, फर्स्ट है तो कोई भी कमजोरी खुद की है, शक्तिशाली का सहयोग लो, सेकंड योग का प्रयोग करो, और दृढ़ संकल्प। ये मेरा ना हर्ट होने का संस्कार है और कुछ नहीं, मैं क्रोध नहीं करती हूं, लेकिन मेरा हर्ट होने का संस्कार है, तो क्या करना चाहिए? मैं आगे होके अटैक कभी नहीं करती हूँ, क्रोध ही नहीं करती हूँ, लेकिन ये भी तो कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी। और जो हर्ट होगा, फॉर्मूला है, वो हर्ट करेगा, और कुछ नहीं, मूड ऑफ करके बैठ जाओ, जो सामने आएगा देखने वाला कैसे हो जाएगा, हर्ट करेगा ही। इसलिए बाबा कह रहे तो दृढ़ संकल्प करो कि मिटाना ही है, यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, टू गेट आउट ऑफ कोई भी कमजोरी, नहीं अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं, आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं, तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। तो जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। पूछ रहे बाप, जितना बाबा से प्यार है उतना ही पुरुषार्थ से प्यार है, पुरुषार्थ से प्यार है मतलब अटेंशन से प्यार है, दृढ़ संकल्प से प्यार है, वही है पुरुषार्थ से प्यार। किया पुरुषार्थ, देखो बाबा भी कल पुरुषार्थ किया, मजा आया, मुझे लगा ये बाबा से बहुत फैमिलियर हो गए, कल का पुरुषार्थ मेधा बन किया, हाँ ऊपर से नीचे, चाहे ज्यादा समय रह गए हम नीचे, लेकिन ज्यादा वहां बैठना तो हम बाबा से काम भी कराते रहे, कई सारे काम, क्योंकि वहीं बैठे रहते थे चलो अच्छा हुआ ना, पुरुषार्थ से अटेंशन, ये वाला सेवा ये करना है। तो बाबा कहते जितना बाप से प्यार उतना पुरुषार्थ से, तो जितना जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो, सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म, गे गे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो वो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना, बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं, बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे, कंप्लीट कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है, शिवरात्रि की मनाना है। दूसरा ग्रुप है वेस्ट को बेस्ट बनाना, अर्थात होली हंस बनना, सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है,
पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनाना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस होना तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपना जमा के खाते में कमी हो जाती। जानते हो ना, अभी की कमाई कल ही था ना, अभी की कमाई कल ही तो था, नहीं अभी, ये भी जन्म जन्म के अभी की कमाई, अभी की, जैसे बाबा ने कहा ना आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म की, तो अभी की कमाई पूरे जन्म की कमाई है, तो जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए भी व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। अच्छा, जो समझते अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। हाथ उठा, कौन सा, क्या क्या हो सकता है? व्यर्थ खत्म हो तो मन को, तो आप हो कौन? तो किसी ने कहा राजयोगी। तो राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूं, क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूं। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड होना, योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे, फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते। कितने संकल्प, बाबा को वो चीज चाहिए जो दुनिया में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जैसे हम किसी को कहे कि मेरा बहुत दिल था लेकिन मैं नहीं आ पाया, वो मानेंगे नहीं ना भाई, आप आओगे तो फायदा है। मतलब दिल कितना भी आप कह दो उनको, उनको संतुष्टता नहीं होगी कि भाई नहीं नहीं रियली दिल तो था ना। तो जो संकल्प जो दुनिया वालों के लिए इतना कीमती नहीं है, वैल्यूबल नहीं है, वो संकल्प बाबा कहते उसको यूज कर। तो हम बार बार संकल्प में ही पूरा ज्ञान ही संकल्प होगा है। तो वो संकल्प और वो संग और रियल क्या है, संकल्प या कर्म, कई बार हमने डिस्कस किया ना। कोई कहे कि आ तो गए लेकिन दिल ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, क्या फायदा? तो मतलब हमारे एक्चुअल संकल्प है, तो इतना संकल्पों की कीमत है, और वो संकल्प कोई तो अब कर रहे कर्म, बाबा मेरे साथ है। तो रियल क्या है, फिजिकली दिखाई नहीं दे रहा है, संकल्प है कि बाबा मेरे साथ है, और संकल्प इज रियल, फॉर्मूला तो यही है, तो बाबा मेरे साथ है, तो बाबा यही कह रहे हैं। तो लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइंड हो, योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे, फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते। तो ये कौन सा ग्रुप है? तो इसलिए जितनी बार हमने संकल्प किया, मैं बाबा के पास वतन वतन में बैठी हूं, क्या हुआ, वो रियल है या
अनरियल है, इमेजिनेशन। जो संकल्प किया वो रियल, और जो संकल्प नहीं किया वो कहते हैं ना, वैसे भी दुनिया में कहते हैं आर्टिफिशियल है, ये सब आर्टिफिशियल है। कोई बहुत महिमा करे आपकी, बहुत महिमा करे, अरे मुझे सारा दिन आप ही याद आते हो, आप क्या कहते हो, बोलता बहुत है, इतनी सारी महिमा कर दी, फिर आप क्या कहते हो, सब आर्टिफिशियल। तो रियल क्या है, संकल्प, भावना। तो मेरा बहुत भावना है, बाबा मेरे साथ है, बाबा के साथ मैं वतन में हूं, रियल है। तो फील करेंगे ना वो, मतलब अगर मैंने संकल्प किया तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते। तो ये कौन सा ग्रुप है, बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है, क्यों, 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना, अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट है। अच्छा, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार, चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे। इसकी अप्रैल की मुरली है, 4 अप्रैल, उस दिन शिवरात्रि उस समय आई होगी, नहीं उसके पहले, पिछले हफ्ते शिवरात्रि थी ना, 29 की थी ना, उसकी कंटिन्यूशन। तो चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हो, चाहे सम्मुख मना रहे हो, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं, तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को पहुंचते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद कर, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा का। इस बार क्या क्या था, वेस्ट को बेस्ट, वेस्ट हर वेस्ट को बेस्ट में, एक है वेस्ट सिचुएशन को भी और वेस्ट संकल्प को, और दूसरा था जो पार्टियों से मुलाकात, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी अर्थात सर्वशक्ति। तो उसमें भाषा की बात थी, नैनों की भाषा समझते हैं। बाबा ने कहा कि कोई भी बात हो तो सर्वशक्ति, उसमें सहयोग लो, 3-4 बात के ना, कोई गलती हो जाती है तो 4 बात, शक्तिशाली आत्माओं का सहयोग लो, योग का प्रयोग करो, दृढ़ संकल्प का प्रयोग करो, और हाँ यह भी नहीं सोचो आगे चलकर हो जाए, टालना नहीं कोई भी बात, लगता है कि ये मेरी मिस्टेक है, तो उसी समय चेंज कर ये बात। और मुरली का था संतुष्टता, 3 बातें, संबंध, सेवा और संबंध, सेहत और संपत्ति। तो संपत्ति में 4 बातें, संबंध में 3 बातें, 3 बातें थी अविनाशी, सुख देने वाला, सर्व संबंध हो, अविनाशी हो और सर्व सुख देने वाला, नहीं वो तो है सुख देने, संतुष्टता का आधार अविनाशी संबंध हो,
सर्व संबंध हो, अधिकारी, अधिकारी हम चाहते हैं ना हर संबंध पर अधिकारी, ये तीन, और संत संपत्ति में चार बातें, हाँ गुण शक्ति ज्ञान और सब। इसलिए संपत्तिवान तभी कहेंगे बड़ा रिच है। किसको कहेंगे रिच की कैटेगरी? वो है फोर्ब्स लिस्ट की रिचनेस, ये है ज्ञान से, स्पिरिचुअल फोर्ब्स लिस्ट। फिजिकल संतुष्टता जो है वो एक्यूरेट है मेरे लिए। वरदान, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है तो जो मेरा होता है वो स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज। ऐसे सहजयोगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाए। तो कौन सा अटूट याद है? मैं बाबा का, मेरा बाबा, ये फीलिंग। स्लोगन है मनन शक्ति के अनुभवी बनो। तो मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहे, ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। आज मास का तीसरा रविवार है, थर्ड इंटरनेशनल, तो सभी 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अभ्यास के लिए अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, लाइट माइट देने की सेवा करो। मास का तीसरा दिन बाबा ने सर्व खजानों से संपन्न कर दिया। आज का व्यक्तिशारी भी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है, सो दैट हम कंटिन्यू भी करेंगे पुरुषार्थ। 16 तारीख है ना, संपन्न बनना अर्थात अपने अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल पर पहुंचना। जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बन जाएंगे। और जैसे कोई चीज जब बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। तो सब बंधनों से, सब बाप, सब तरफ के लगावों से वृत्ति द्वारा किनारा होना अर्थात संपन्न व संपूर्ण बनना। संपन्नता का आधार है किनारा, मतलब परफेक्ट हो रहे हैं, मतलब डिटैच होते जाएंगे, इंपैक्ट नहीं होता है। समझ होगी पूरी, इंपैक्ट, इंपैक्ट और समझ में फर्क है। तो केयरलेस भी नहीं होंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे, पर इंपैक्ट भी नहीं, ये है संपन्नता। ठीक है, अच्छा।